हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मेरे पिछले वीडियो में कि हम लोग कोयम्बटूर पहुँच चुके थे, पर उसके बाद हमने वहीं पे रात में ही होटल लिया था। बहुत ज़्यादा मतलब पास में नहीं था, ये स्टेशन से थोड़ी दूर पे बस स्टैंड हो है, वहीं पे जाके हमारा रूम बस स्टैंड के पास ही था, वहीं पे लिया था। तो ये देखिए, होटल सिटी पार्क करके था, तो ठीक ठाक मिल गया था। तो ये मैंने सारा मॉर्निंग में शूट किया है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे, और फिर कुछ ऐसे मेरा ब्लॉग बनाने का भी कोई वो नहीं था तो मैंने नहीं शूट किया। तो मॉर्निंग में जो भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हम लोगों का रूम था, मिला था। तो ठीक ठाक रूम मिल जाता है यहाँ पे, 15 से 2 हज़ार के बीच में मिल जाता है। और ये देखिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फैला के रखा है, वो माइंड मत करिएगा। फिर यहाँ पे फटाफट तैयार होने के बाद हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, जो कि इडली और डोसा यहाँ का फेमस ही रहता है साउथ साइड, तो यही हम लोगों ने किया। फिर उसको करने के बाद हम लोग निकल गए बस स्टॉप। तो यहाँ से ईसा योगा सेंटर है 30 किलोमीटर बस स्टैंड से, तो वहाँ के लिए ये 14D करके मतलब नंबर होता है, वही बस पे बैठ जाइएगा, आपको वहीं पहुंचा देगी। 14D करके ईसा योगा सेंटर के लिए ही बस चलती है। तो इस तरीके से हम लोग भी फटाफट बैठ गए, और बहुत ही कम किराया लगा था हम लोगों का, बस एक लोगों का 20 रुपये, मतलब दोनों लोगों का 40 रुपये। तो ये बस इस तरीके के ऐसे ही बहुत ही मतलब वैसे एरिया में है, जंगल में, थोड़ा सा वहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो हम लोग ऐसे ही निकल गए रास्ते का आनंद लेते हुए। तो हाँ, अगर आप लोग टैक्सी करना चाहते हैं तो उससे भी जा सकते हैं, ऑटो भी जाता है, तो ऑटो भी ऐसे 1000 या 1500 ले लेगा, और या फिर आप अपनी कैब करेंगे तो उसमें भी 2000-2500 लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हम लोगों ने ये बस को ही प्रेफर किया, और वहाँ से रिटर्न के टाइम भी बस मिल जाती है, मतलब टाइम रहता है जैसे 8 बजे 9 बजे ऐसे करके। यहाँ से बस सुबह से बस चलने लगती हैं 5:30 बजे से, और वहाँ पे रात में भी रिटर्न होती रहती हैं, तो वो वहाँ जाके पता चलेगा। तो बस इस तरीके का कुछ रहा हमारा सफ़र ऐसे देखते हुए, तो आप लोग भी देखिए। तो 1 घंटे का टाइम लगा होगा, हम लोगों को बस ने ड्रॉप कर दिया ईशा योगा सेंटर, और हम लोगों को पैदल भी नहीं चलना पड़ा, बिल्कुल वहीं पे ड्रॉप किया था। तो आप ये देखिए, पोस्टर लगा हुआ है, इस साइड जाना था ध्यानलिंगा, और इस साइड आदियोगी स्टैचू है। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि आदियोगा योगी स्टैचू ही देखते हैं, तो उस साइड के लिए निकल लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे शंकर जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति लगी हुई थी, सब लोग फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे। तो इस साइड पे है हमारी शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति, तो वहाँ के लिए चलते हैं हम लोग। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो कार्ट भी चलती है, मतलब अगर आपको चलने में दिक्कत होती है या फिर बूढ़े लोग हैं वो लोग भी इससे जा सकते हैं, और ये चार्जेबल है। लेकिन हम लोग तो ऐसे ही पैदल ही गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 600-700 मीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाने पीने के लिए साइड में दुकानें भी हैं, मतलब आपको छोटे मोटे भूख लगी हो तो यहाँ पे खा सकते हैं। और बिल्कुल हाँ, इसकी एंट्री फ़ी कोई भी नहीं लगी है, बिल्कुल फ्री है आपको। तो चलिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा, और आप ये आवाज़ सुनिए, मतलब शंभो शंभो बिल्कुल कानों में बस जाती है ये आवाज़, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। वो देखो गमला लगा रहे अंग्रेज है। Thank you.
सूर्य की थोड़ा जलने के बाद हमारे महादेव दिखने लगे हैं, तो बैक साइड से दिख रहे थे। यार मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब ऐसा फ़ोन में ना छोटी दिख रही है, मतलब हम लोग, मैंने भी पहले ऐसे फ़ोटो वगैरह देखी थी या फिर ऐसे वीडियो वगैरह देखे थे तो इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन यार सामने से जब देखोगे ना तो बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इनके बारे में लिखा हुआ था, ये देखिए, तो चलते हैं। तो जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे थे ना, वैसे वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे से ऐसे मैं वीडियो भी शूट करती जा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ऐसा लगता है कि आसमान को छू रही है, मतलब ये स्टैचू बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल शांति में बना हुआ है, मतलब देख सकते हैं आप कितने पहाड़ हैं पहाड़ों के बीच में। तो चलिए आप लोग तब तक देखिए ये। ये देखिए बिल्कुल हरा हरा सा सामने से बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी जो भी फ़ोन में दिख रहा है आप, मतलब मैं वो दिखा रही हूँ। फिर ये सब करने के बाद हम लोगों ने थोड़े से फ़ोटो से शूट किए। और फ़ोटो शूट करने के बाद थोड़ी देर के लिए बैठे थे यहाँ पे, मतलब काफ़ी टाइम था हम लोगों के पास, फिर वहाँ से निकल लिए क्योंकि अभी हम लोगों को ईशा योगा सेंटर भी जाना था, मतलब जहाँ पे ध्यान लेंगा और ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे भी। तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं वहाँ। तो ये देखिए यहाँ अंदर जाने के लिए फ़ोन कैमरा कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे हमें जमा करना पड़ेगा सब चीज़ें और उसके बाद अंदर जाने को मिलेगा। तो सुना है जैसा कि वहाँ पे बहुत, मतलब शांति रहती है और योगा वगैरह होता है, जाके देखते हैं। तो अभी मैं फ़ोन जमा कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी, मतलब बने हुए हैं फ़ोन वगैरह जमा करने के लिए, और इसकी भी कोई, मतलब इसका भी कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में डिपॉज़िट करना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोन जमा कर दिया था, फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया हमने और फिर से यहाँ पे वापस आए थे, मतलब शाम हो गई थी और आप देख सकते हैं इस टाइम कितना, मतलब खाली था। और ये शाम जैसे ही हुई, मतलब इतनी भीड़ हो गई थी क्योंकि यहाँ पे ना लाइट शो भी होता है, लेजर लाइट शो, मतलब बहुत अच्छा लगता है रात में। तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छा लगा था वो भी, तो मैं अगले वीडियो में डालूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा नाइट का व्यू, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। शंभो शंभो।